Balrampur. A little more than 500 kilometers from Hathras, 22-year-old woman died after being allegedly raped and assaulted in Balrampur district on Tuesday when the attention of the country was focused on the events in Delhi as the police tried to take away the Hathras woman's body from Safdarjung Hospital. The young woman in Balrampur has died while being taken to the hospital in Lucknow, and the police meanwhile have said the two accused in the case have been arrested, but also claimed the post-mortem has not revealed injuries to the woman as claimed by the mother of the child. Now the woman in this case, beg your pardon, is 22-year-old. The police have also not spoken officially on whether the rape has been confirmed by any medical examination. Akhilesh Yadav, in fact, tweeted about this, former chief minister of UP. He went on to say that after Hathras, another gang rape incident has surfaced in Balrampur, in which a woman has died after torture. BJP government should not attempt a cover-up here like Hathras and should quickly take action against the accused. This is what the mother of the girl in this case had to say. लड़की सुबह 10 बजे मिसर कराने गई थी, लौटने के समय 3-4 लड़के उसको हाथ दिए, जबरदस्ती गाड़ी में उसको बैठा लिए, के हाथ में इंजेक्शन लगाए, उसके उसको ले गए उसके अपने रूम पे ले गए, उसके साथ गैंगरेप किए हमारे बच्चे को, बच्ची का पैर तोड़ दिए, कमर तोड़ दिए, बच्ची को रिक्शा वाला लाया लाद के, हमारे बच्ची के न बोलने भर का ताकत था, न उठने भर का ताकत था, फिर ले गए हॉस्पिटल, फिर वो बोले कि किधर, लखनऊ ले जाइए या बलरामपुर ले जाए, बहुत सीरियस हो गई है। 22 वर्ष की लड़की है, जिसके परिजनों ने ये बताया कि वो लड़की एक प्राइवेट फर्म में काम करती है और कल वो जब फर्म में काम करने गई उसके बाद काफ़ी देर तक शाम को वापस नहीं आई, तो परिजनों को चिंता हुई, उन्होंने फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन लड़की से संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लड़की एक रिक्शे पर आई तो उसकी लड़की के हाथ में जो ग्लूकोज चढ़ाने वाला वीगो होता था वो लगा हुआ था और लड़की की हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी, तो उनके परिजनों ने लड़की को तुरंत हॉस्पिटल के लिए ले गए लेकिन रास्ते में ही लड़की की मृत्यु हो गई। तो परिजनों ने तहरीर में अपनी दो लड़कों को नामजद किया है और उनको बताया, उनके बारे में कहा है कि इन लड़कों ने किसी डॉक्टर के पास ले जाकर के हमारी लड़की का इलाज कराया और लड़की के साथ हमारे बलात्कार किया, और लड़की की जब हालत खराब हुई है तो उसको उन लोगों ने हॉस्पिटल ना ले जाकर के उन्होंने घर पर वापस भेज दिया। तो इस प्रकरण में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो नामजद अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है।